यूनिफॉर्म पहने ये स्कूली बच्चियां बिलख रही हैं, जार जार रोती इन बच्चियों को लोग चुप कराने की कोशिश करते हैं। आवाज आती है, मत रोना सर जी फिर आएंगे। बच्चियां चुप नहीं होती, सभी और जोर जोर से रोने लगती हैं। रोते रोते कहती हैं, मत जाइए ना, यहीं रुक जाइए। इन रोती हुई बच्चियों के बीच सफेद शर्ट पहने एक शख्स खड़ा है, चुप है, लेकिन उनकी आंखें बताती हैं कि बस अभी आंसू का सैलाब बह जाएगा। इस शख्स का नाम है सुभाष चंद्र यादव। सुभाष शिक्षक हैं और उनके इर्द गिर्द रोती बिलखती ये बच्चियां उनकी स्टूडेंट। भावुक कर देने वाला ये नज़ारा उत्कर्मित उच्च विद्यालय जोरडीहा का है। मौका है शिक्षक सुभाष चंद्र यादव की विदाई का। पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा में मौजूद इस स्कूल में पढ़ाने वाले सुभाष चंद्र यादव ने VRS लिया है। ये स्कूल से उनकी विदाई का दिन है। ये आधिकारिक प्रक्रिया है, लेकिन बालपन कहाँ मानता है। सुभाष के सानिध्य में पढ़ी ये बच्चियां उनको जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए रो रही हैं, मिन्नत कर रही हैं, कहती हैं, सर जी प्लीज मत जाइए ना। रूंधे गले से सुभाष कहते हैं, हम आते रहेंगे, परसों ही आएंगे। आसपास खड़े लोग भी समझाते हैं, लेकिन बच्चियां अपने प्यारे शिक्षक से लिपट जाती हैं, जार जार रोती जाती हैं। एक बारगी लगता है कहीं ये भ्रम तो नहीं। अब जबकि शिक्षा व्यवसाय बन गई है, शिक्षक और बच्चों के बीच का रिश्ता भी व्यावसायिक हो गया है, वैसे में ये नज़ारा चौंकाता तो है, लेकिन चौंकिएगा नहीं, ये सच है। अब जबकि बच्चों और शिक्षकों के बीच का रिश्ता व्यावसायिक ज़्यादा हो गया है, सुभाष जैसे शिक्षकों ने गुरु शिष्य की पुरानी परिपाटी को जीवित रखा है। इस वीडियो को गौर से देखिए। बच्चियों के बिलखने की आवाज़ और सुभाष का रूंधा गला बता देगा कि गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता कितना पवित्र और निश्चल हो सकता है। तब भी सवाल है कि पढ़ाते तो सब हैं, सुभाष ने क्या अलग किया है। दरअसल सुभाष ने इन बच्चियों को केवल पढ़ाया नहीं, उनकी जिंदगी को नई दिशा दी, इन बच्चियों में उम्मीद जगाई। यहाँ जिस उत्कर्मित उच्च विद्यालय जोरडीहा की बात हो रही है, वो कभी घने जंगलों से घिरा था। स्कूल के आसपास घनी झाड़ियाँ थीं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब सुभाष ने स्कूल ज्वाइन किया, तब केवल 22 बच्चे पढ़ते थे। सुभाष ने स्कूल का कायाकल्प कर दिया, आसपास के गांवों में घूमे, लोगों को समझाया, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, स्कूल में मूलभूत संसाधन जुटाया। आज यहाँ सब कुछ बदल गया है। कभी झाड़ियों से घिरा ये स्कूल आज चमक रहा है, तो सुभाष की बदौलत। मौजूदा वक्त में इस स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं, सभी यूनिफॉर्म में स्कूल आते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है। जोरडीहा के बच्चों को शिक्षक सुभाष ने नई उम्मीद दी है, उनमें विश्वास जगाया है, उनकी जिंदगी को दिशा दी है। जाहिर है शिक्षक के प्रति बच्चियों का ये प्रेम इसी की वानगी है। जब झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर अक्सर सवाल उठते हैं, तब शिक्षक सुभाष ने सुदूरवर्ती लिट्टीपाड़ा के इस स्कूल की तस्वीर बदल दी। ये प्रेम और निश्चलता इसी का परिणाम है। इन्होंने स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है और उम्मीद करती हूँ कि सारे शिक्षक गण हैं यहाँ पर, जितने भी स्कूल में हैं, ग्रामीण भी आपका सहयोग करेंगे। जिस तरह से इन्होंने कक्षाएं संचालित की हैं, सभी चीजों पे ध्यान दिया है, बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज भी करवाते रहे हैं। और ये फुलवारी में मैं देख रही हूँ, उसका मतलब है कि सभी बच्चों को इन्वॉल्व कराया जाता है, जिससे कि व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत ही हिम्मत है लोगों में कि इस तरह से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं। तुमने तैयारी कहाँ से की? IBM से। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में
आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRVPO 2022 में सिलेक्शन लिया है। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in